नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सोशल और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए नियम। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ दिल्ली में माकपा का विरोध प्रदर्शन। रोजगार को लेकर युवाओं ने किया ट्विटर ट्रेंड। हमारी चौथी आखिरी खबर कोरोना अपडेट। देश में करीब एक महीने के बाद 15,000 से ऊपर गए नए मामले। आज केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के रूप में सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए नए नियम जारी किए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह घोषणा की। सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक कि सोशल मीडिया के प्रसार ने जहां एक ओर नागरिकों को सशक्त किया है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। रिलीज में यह भी कहा गया कि हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर बहुत अभद्र कंटेंट सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही फेक न्यूज़ का भी हवाला दिया गया। डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए इन नियमों को जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऐसा डिजिटल और नॉन डिजिटल यानी प्रिंट तथा टीवी मीडिया के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के मकसद से किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया को भी अब नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट का पालन करना होगा। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच तकरार हुई थी, क्योंकि सरकार ने ट्विटर को 1500 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था, क्योंकि ये दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट साझा कर रहे थे। ट्विटर ने इस आदेश का विरोध किया था। साथ ही नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के तांडव, मिर्जापुर और सुटेबल बॉय शोज के साथ भी धार्मिक भावनाएं आहत करने के विवाद हाल ही में हुए। इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तलब किया था कि वह इन प्लेटफॉर्म्स को नियमित करने के लिए क्या कदम उठा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इन नियमों को लेकर हताशा जताई है, क्योंकि उनसे बिना सलाह मशवरा किए यह नियम जारी कर दिए गए। नवंबर 2020 में न्यूज़ मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल कंटेंट को सरकारी नियमन के तहत लाने का फैसला किया गया था। तब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस कदम की आलोचना कर यह कहा कि इसके जरिए डिजिटल सेंसरशिप लाने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले कुछ समय से लगातार इजाफा हो रहा है। देश में सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ स्थानों पर तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। रसोई गैस सिलेंडर 800 रुपए पहुंचने वाला है। मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है और मजदूर गरीबों का तो हाल बेहाल है। बेतहाशा मूल्य वृद्धि और इतना टैक्स लगाना सरकार की नीयत पर सवालिया निशान है। इसी को लेकर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की दिल्ली इकाई ने एक विरोध प्रदर्शन किया। देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। डिमांड्स हैं कि जो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं उनको वापस लें, और जो किसान 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो जो नए कानून लेकर आई है मोदी सरकार उनको रद्द करें, और श्रम कानूनों पर जो हमले हुए हैं जो मोदी सरकार कोरोना की आड़ में 4 लेबर कोड लेकर आई है उसके खिलाफ, हमारे बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार को लेके और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की मांग को लेके आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। और तमाम हम 15 दिन से लगातार सड़कों पे थे, जनता के बीच में हम ये प्रचार कर रहे थे 5 मांगों को लेके कि जो श्रम कानूनों पे जो हमले किए हैं उसके लिए, और जो तीन नए कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेके हम लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ोतरी हो रही है उनको वापस ले, और जो ये गरीब आदमी जिस तरीके से कोरोना की आड़ में रोजगार अभी नहीं हो रहा है और लगातार
स्थिति खराब हो रही है, मजदूरों की भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति फ्री में दिया जाए, जो पहले सरकार ने कोरोना काल में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज फ्री दिया था लेकिन नवंबर महीने में बंद कर दिया, उसको हम मांग कर रहे हैं कि वो अभी भी 10 किलो अनाज फ्री दिया जाए। और इस कोरोना काल के आड़ में जो डोमेस्टिक वर्कर, होम बेस्ड वर्कर, उनकी हालत भी बहुत ख़राब हुई है, और जो सभी गरीब मजदूरों के खाते में 7,500 रुपए डाले। इस बजट के अंदर भी ये महंगाई के ऊपर, राशन के ऊपर, रोजगार के ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया है। औरतें अपने घर कैसे चलाना, ये हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। गैस का दाम आसमान छूने लगा है तो कैसे चलाएंगे। मोदी सरकार अंबानी अदानी के लिए इस देश को चलाना चाहती है, आम जनता कह रही हम ये नहीं चलने देंगे। इसलिए मोदी सरकार सतर्क रहे, लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और उनको हरा के रहेंगे। सरकार की जो दिशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है और उसकी प्रतीक क्या है, वो मोटेरा स्टेडियम, जय शाह नरेंद्र मोदी, एक तरफ अंबानी दूसरी तरफ अडानी। तो ये एक सिंबल है जो एक्चुअली सरकार की नीतियाँ चल रहे हैं। आप ही बताइए, उस एक साल में जहाँ 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, इतना नुकसान हुआ हमारे देश में महामारी और जिस रूप में लॉकडाउन हुआ, उसी साल में 100 जो सबसे अमीर घराने हैं उनका मुनाफा 13 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है, तो ये क्या है? और काम नाम कुछ है नहीं, ये तो आप सब जानते हो कि लॉकडाउन से काम तो किसी का है नहीं। अब बताओ क्या खाएं? खुद मेरा लड़का 10 महीने से बैठा हुआ है, मैं किसको कहूँ बताओ, है ना? अब इससे ज़्यादा क्या कर भैया, यही है बस कि थोड़ा सही कर लें, महंगाई वापस ले लें तो कोई बुराई नहीं है। बाकी कोई मोदी से लड़ाई थोड़ी नहीं हमारी है, थोड़ी तो राहत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, जहां पर छात्र और अध्यापक आज ऑनलाइन आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें वो सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर 5 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट के साथ मोदी जॉब दो हैशटैग ट्रेंड हुआ। SSC CGL 2018 की परीक्षा का नोटिफिकेशन 5 मई 2018 को जारी किया गया था और फाइनल प्रोसेस आज 2021 की वर्तमान तारीख तक पूरा नहीं हो पाया है। CGL 2019 के दो ही चरण हो पाए हैं। SSC में बहुत पुरानी भर्तियां भी अब तक पूरी नहीं हुई हैं। पिछले साल देश में बेरोजगारी की दर आसमान छू गई, खासतौर से कोविड के लिए किए गए लॉकडाउन के शुरुआती महीनों में। इस सब के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ी और कंपनियों में छटनी भी। इन्हीं लचर व्यवस्थाओं की त्रासदी झेल रहे छात्र और अध्यापकों ने आज 25 फरवरी को ऑनलाइन आंदोलन चलाया हुआ है, जिसके तहत वो सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 25 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में करीब एक महीने बाद 15,000 से ज्यादा यानी 16,738 नए मामले सामने आए हैं और 138 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 11,799 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 4,801 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,46,914 हो गई है, जिनमें संक्रमण के कारण 1,56,705 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.20% यानी 1,07,38,501 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामले बढ़कर 1.37% यानी 1,51,708 हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 1,26,71,163 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है, जिनमें से 5,03,947 लोगों को वैक्सीन पिछले 24 घंटों में दी गई। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 21,38,29,658 सैंपलों की जांच की गई है, जिनमें से 7,93,383 सैंपलों की जांच पिछले 24 घंटों में हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।
Thank you.